क्या हाल है आप सबके उम्मीद है सब खैर खरीत से होंगे अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिस्सों अमान में रखे आमीन आमीन ये जो सब्ज़ियाँ आई थी फ्रेश फॉर्म वेजिटेबल्स जो कि मैंने आपको दिखाई थी उनकी आज कटाई छटाई कर दी है सबको उनके अब सब्जियों के हिसाब से काट लिया है मतलब जिस तरह मुझे ज़रूरत होगी ये छोटे छोटे क्यूब्स काटे हैं मैंने पिज़्ज़ा में डालने के लिए या मिक्स सब्ज़ी या नूडल्स में बनाने के लिए छोटे क्यूब्स इसलिए काटे हैं पिज़्ज़ा में तो पिज़्ज़ा के ऊपर तो खैर ये बहुत अच्छे लगते हैं एज अ टॉपिक और मेरे घर में वैसे जो नूडल्स वगैरह बनाते हैं या पास्ता बनाते हैं उसमें सब्जियां पसंद नहीं की जाती इसलिए छोटी छोटी काटियाँ हैं ताकि वो साथ चिपक जाएं और इन लोगों को पता भी ना चले कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं और अल्लाह ताला की कुदरत आपको दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह तीनों कलर की शिमला मिर्च मिलकर कितनी प्यारी लग रही हैं इसमें येलो ग्रीन और रेड शिमला मिर्च है और माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है कल जनाब जो हम पर दो दिन पहले हमारे साथ हादसा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें अल्लाह ताला ने हमारी जान बख्श दी थी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसमें मेरी दोस्त जो हैं सफीना बक्का और अनीस खातून और मेरी अपनी बच्ची लाला रुख और एक दो और ने बहुत अच्छा कमेंट किया है दुआएँ दी हैं अल्लाह ताला आपके हक में भी ये सारी दुआएं कबूल करे और आपको हमेशा सेहतमंद तंदुरुस्त रखे और कभी कोई तकलीफ़ आप लोगों को ना आए हमेशा खुश व खुरम रहें और अल्लाह ताला बड़े और नागहानी हादसा से सबको बचाए इस दुनिया में अचानक जो हादसा होते हैं वो बंदे को हिला कर रख देते हैं कि आप को पता पता तो खैर गैब का इल्म तो किसी को भी नहीं है आयतुल कुर्सी वग़ैरह पढ़ के जाओ दुआएं मांग कर जाओ तो अल्लाह ताला ने गाड़ी जो है वो तो खैर यार जान है तो जहान है कहते हैं गाड़ी तो फिर भी आ सकती है सब कुछ हो सकता है लेकिन अल्लाह रहम करे जान एक दफ़ा चली जाए तो वो दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी उसको वापस नहीं ला सकती तो ये अल्लाह ताला से दुआओं का ही असर था आज तक की बरकत थी कि अल्लाह ताला ने हम तीनों को इस तरह बचा लिया जैसे हमें तो कोई अल्ला जैसे कुछ हुआ ही नहीं आप यकीन करें अल्लाह के ऐसी रहमत हुई है कि इतनी ज़ोर से गाड़ी आके टकराई है घूमी है साइड पर लगी है और सब कुछ हो गया लेकिन हम माशा वैसे के वैसे बैठे रहे हैं और उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र है मेरे मुँह से कलमा निकला है कलमा में पढ़ रहे थे हम लोग और अल्लाह ताला ने हम सबको बचा लिया खैर ये जो ये दुनिया के काम तो फिर जाहिर है उसी तरह चलते रहते हैं सारा कुछ एक दिन होता है दूसरे दिन फिर बंदा जो है उसी तरह अपनी रूटीन में लगा हुआ होता है इसमें पुदीने की भी दो गड्डियाँ थी जो कि मैंने बच्ची के हवाले की थी कि वो आप पत्ते तोड़ कर ले आओ धो कर दे दिया था ताकि फ़्रीज किया जा सके सब चटनी तो हमारे घर बनती ही बेतहाशा है और इसकी वजह क्या है वो दही भले हैं जो मुझे चैन से नहीं बैठने देते असल में बनाने की वजह ये भी होती है कि बेवक़्त भूख में बजाए तली हुई चीज़ें खाओ या जंक फूड खाएँ उससे बेहतर ये है कि एक भला और थोड़ी सी दही और चटनियाँ मटनियाँ डाल के उसको चटपटा सा बना कर बंदा वो खा ले तो पेट भर जाता है अब तो वैसे ही दिन आहिस्ता आहिस्ता इतने छोटे होते जा रहे हैं के असर मगरिब और इशा की नमाजें बहुत करीब हो गई हैं और भूख भी उस लिहाज से कम लगती है अब दिन की बजाय रात को भूख लगना शुरू हो गई है पता नहीं ये मेरे साथ हो रहा है या आप लोगों के साथ भी हो रहा है कि दिन का तो यार पता ही नहीं चलता क्या कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ इसकी एक वजह हमारे घर में तो ये भी हो सकती है कि हम लोग उठते लेट हैं हस्बैंड ने चार बजे जाना होता है और ख़ैर से ग्यारह बजे रात को वापस आते हैं और रात की भी बेतरतीबी सी हमारी लाइफ हो चुकी है लेट सोते हैं अल्लाह का लाख लाख करम है कि फ़जर के वक्त ज़रूर उठते हैं लेकिन नमाज शमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं तो उसके बाद जनाब दस बजे तक आँख खुलती है जिसकी वजह से आधा दिन तो हमारा इस तरह गुजर जाता है और आधी रात जो है वो दिन मनाने में गुजर जाती है लेकिन रूटीन जो है मैंने देखा सुबह वाली ड्यूटी बहुत अच्छी रहती है कि आठ से चार बजे तक सारा काम रूटीन के हिसाब से होता है और हमारे घर ज़ाहिर है कोई स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने वाला बच्चा भी नहीं है कि उसके हिसाब से उठा और जागा जाए तो फिर यही कुछ ही हमारी रूटीन है इसलिए अब भूख रात को ज़्यादा लगती है और दिन को कम लगती है लेकिन भले वगैरह या चना चाट या काले चने की चाट ये मैं बना के ज़रूर रखी रख लेती हूँ फ्रिज में कि जब भूख लगे थोड़ी सी निकाल कर खा ली बजाय तली हुई चीज़ों के और बाकी चीज़ें खाने के मुझे ये सही लगता है फ्रूट भी बंदा कितना एक खाए वो भी एक हद हाँ तक ही खाया जा सकता है ना हरी मिर्चें में इस दफ़ा जो गाड़ी पे हम लोग जा रहे थे ये हफ्ते का ग्रीन सौदा ही लेने जा रहे थे जो कि ग्रॉसरी होती है फ़्रेश चीज़ें होती है दही शही और वेजिटेबल्स फ्रूट्स तो खैर जनाब जो किस्मत में था वही हुआ तो इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने सब्जियां और ये सब कुछ भेज दिया हरी मिर्चें भी थी इसमें काफ़ी सारे मतलब आपको दिखाई हैं मैंने अच्छी खासी थी बस उसकी डंडियाँ तोड़ उनको संभाल लिया और इसके साथ ही जनाब गाजर को भी छील कर और धोकर कद्दूकश करके फ्रीज़ कर दूंगी किसी वक्त इसका गाजर का हलवा बना लूंगी या गजरेला बना लूंगी पहले मेरे हस्बैंड की वो जो मैंने कलाकंद बनाई हुई है वो थोड़ी सी रह गई है वो ख़त्म होगी तो उनसे पूछ कर बनाऊँगी कि उन्होंने क्या खाना है उनके वजह से ही मीठा ज़्यादा बनता है मीठा वो मीठा होता है जिसमें शुगर नहीं होती लेकिन स्वीटनर ज़रूर होता है ज़ीरो कैलोरी स्वीटनर है और नेचुरल है स्टीवियाना जो है ये काफ़ी अच्छा है अगर आप लोग कोई और स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं तो उससे बचने के लिए सबसे बेहतर यही है कि आप स्टीवियाना जो कि नेचुरली नेचुरल होता है और पत्तों पौधे के पत्ते हैं जिनको सुखाकर बनाया जाता है ज़ाहिर है किसी केमिकल प्रोसेस से तो खैर गुजारा जाता होगा लेकिन कहते हैं इसके पत्ते वैसे भी पीस कर इस्तेमाल किए जाएँ तो मीठा ही होता है बगैर कोई केमिकल के और बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के इसके अलावा कैंडल पहले ये यूज़ करते थे तो कैंडल के बारे में बड़ी तहकीकात आई थी कि उसका जो है आँखों पे रोशनाई पे बड़ा असर पड़ता है आँखों की रोशनी पे यानी वो उसके लिए सही नहीं है तो फिर हमने कैंडल जो है वो यूज़ करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया अगर आप में से कोई बहन कैंडल यूज़ करती है एज अ शुगर रिप्लेसमेंट या घर में अपने हस्बैंड के लिए या वैसे यूज़ होता है तो प्लीज़ इसको आप जो है ना इनक्रेज ना करें और इसकी जगह ये स्टीवियाना यूज़ करें ये भी दो नामों से आता है एक स्टीविया और एक स्टीवियाना लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं इन दोनों में भी फ़र्क है स्टीविया जो है उससे बेहतर स्टीवियाना ही है अब इसकी मुझे लॉजिक तो नहीं पता लेकिन जाहिर है कि वो एज अ डॉक्टर सारा उसकी डिटेल पढ़ते हैं फिर सर्च भी करते हैं तो उनको ज़्यादा मुझसे बेहतर पता है कि मे यही ज़्यादा बेहतर होगा जो हम लोग यूज़ करें लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं जो स्टीवियाना है बाकी जितने भी स्वीटनर हैं उनका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है तो खैर जनाब मैंने इतना अच्छा खासा आपको मशवरा दिया है एक दफ़ा बंदे के साथ कोई ऐसा हो जाए जो रूटीन से हट कर हो तो इंसान की अकल ठिकाने आ जाती है तो मैं आपको भी यही मशवरा दे रही हूँ कि आप लोग जो है ना कम से कम साइड इफेक्ट्स वाला बंदा काम करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब साइड इफेक्ट से बच सके अब जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका भी यही हाल है जिस चीज़ के दर्द के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए या शुगर के लिए या किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ तो वो ठीक कर देती है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स लाजमी होते हैं और जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को किसी और जगह जाकर कोई और मसला खड़ा कर देती है तो दवाइयों से बचना ही चाहिए कम से कम मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए और जाहिर है कि जो चीज़ अब हो गई है जैसे मेरे बाज़ू में दर्द हुआ उसकी मैं मेडिसिन ले रही हूँ अभी तक ले रही हूँ तीन हफ़्ते का डॉक्टर ने कहा था कि आप लें जो मैं स्पेशलिस्ट के पास गई थी तीन हफ़्ते हो गए हैं लेकिन उसने कहा कि ये लंबा जाएगी अगर ना फ़र्क पड़ा तो तीन हफ़्ते आपको और लेना पड़ेगा क्योंकि नर्स जो होती हैं वो काफ़ी टाइम लेती हैं सही होने में और अल्लाह करे सही हो जाए लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर जो मैं जो भुगतना पड़ता है वो फिर मैं भुगत रही हूँ कभी अचानक नींद आ जाती है कोई रिलैक्सिंग टैबलेट होंगी कोई कुछ होगा और जनाब ये जो मैंने पूछा था कि ये क्या चीज़ है किसी ने नहीं बताया एक मेरी दोस्त ने बताया है लेकिन वो सही गैस नहीं कर सकी ये जनाब अब खोलने लगे हैं इसका पर्दा उठाने लगे हैं तीन दिन ये वैसे ही पड़ा रहा है क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है जिस मसले में हम फंस गए थे उसी में ही उलझे रहे हैं कुछ कानूनी कार्रवाई भी करनी थी और ये सारा कुछ था और ये जनाब देख लें खुल गया है अब किसी ने गैस किया है ये क्या चीज़ है ये कोई टेबल नहीं है कोई सीनरी नहीं है ये ट्रॉली है जो साम बॉटल्स वगैरह और सामान वग़ैरह ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो पानी की बॉटल्स आती हैं उनको लाने ले जाने के लिए असल में हमारा जो बिल्डिंग का बंगाली भाई थे जो ये सब कुछ करते थे वो चले गए छः महीने की छुट्टी पर और उसकी जगह जो नया बंदा आया है उसको कुछ पता नहीं है तो मेरे हस्बैंड तो इतनी ज़्यादा इकट्ठी ला नहीं सकते थे तो उन्होंने ये ट्रॉली अमेजोन से ऑर्डर कर दी अब दोनों बाप बेटी मिलकर इसके पहिए लगा रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं ये बच्ची भी मेरे बहुत काम कर लेती है इस किस्म के और हस्बैंड उसको कस देते हैं बस जनाब यहीं तक था मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब